नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ABS क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे बहुत ही खुशी का दिन है आज और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। और तो वीडियो इस समय कुछ लेट आ रहे हैं और उसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों लेट आ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि नवरात्रि चल रहा है तो वीडियो बन नहीं पा रहे क्योंकि बहुत साउंड हो रहा है बगल में। और इसके बाद जो खुशी का दिन है वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, तो वीडियो में बने रहें और इससे और भी जो आगे होने वाला है उस चीज़ के बारे में ही बताऊँगा। तो आप लोगों को सबको पढ़ाई करते रहना है और सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल ABS क्लासेस में स्वागत है। तो आज की खुशी का दिन का जो राज है वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या है कि मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का प्यार यदि बना रहा तो हमारे चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो मतलब हो चुका है। रिव्यू में चैनल गया था और आ चुका है, ऐड भी आप लोगों में शो करने लगे होंगे। मेरा जो चैनल है वो ABS क्लासेस के नाम से है और उसमें सब पढ़ाई की करवाई जा रही है, तो आप लोग भी उसमें पढ़ाई कीजिएगा। हालांकि ये है कि मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, इस वजह से वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं हो पाते। ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है और उसका एक भी कारण ये भी है कि जैसे यदि ऑफलाइन कोचिंग 4 से 5 घंटे हो जाते हैं तो ऑनलाइन वीडियो जो बनाता हूँ उसमें दिक्कत हो जाती है। नवरात्रि चल रहा है, बगल में पंडाल है तो उस वजह से भी दिक्कत हो रही है। और अब मेरा मोनेटाइजेशन हो गया है तो थोड़ी सी, क्योंकि क्या है कि मैं 10 महीने से लगा हुआ हूँ और नहीं 10 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुकी हैं। 13 अक्टूबर को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और उसमें वीडियो मैंने कुछ डाले हैं और मेरे कुछ सर भी थे, भाई साहब, उन वो भी पढ़ाते रहे लेकिन अब वो इस समय पर नहीं पढ़ा रहे। कुछ दिन बाद वो भी आएंगे जब सब्जेक्ट कंप्लीट रूप से सभी लगने लगेंगे। फिजिक्स का 11th केमिस्ट्री स्टार्ट है और जो फिजिक्स है वो भी स्टार्ट होने वाला है और इसके बाद जो है 12th का भी पढ़ाया जाएगा। तो उसमें कुछ मैं चाहता हूँ कि जैसे यदि स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे और यदि जिनको पढ़ना है वाकई में तो वो कमेंट भी कर सकते हैं, जिनको PDF के लिए आवश्यकता है तो WhatsApp में भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि उनको जो लिंक देना पड़ता है डिस्क्रिप्शन में वो बहुत टाइम लग जाता है, दिक्कत हो जाती है। और खुशी का दिन है आज मेरे लिए और नवरात्रि चल रहा है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही हमारा कुछ हो पाता है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो चैनल है मेरा मोनेटाइजेशन कल कंप्लीट हो गया था, रिव्यू से आ चुका है, ऐड भी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके बाद जो कहने का अर्थ यह है कि जैसे इसमें मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, इसका रूल क्या है कि जैसे डॉलर में स्टार्ट हो जाता है, इसके जो भी अर्निंग होते हैं वो सब डॉलर में होते हैं, $10 के बाद ही पेन जनरेट होता है। तो अभी मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हुआ है, अब मैं जैसे ही $10 पूजेंगे तो उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा। तो और इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मेरा जो भी सेटअप है, मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ और किस प्रकार से हमारी जो भी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, लाइब्रेरी कैसा है, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो में बने रहें, दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा लाइब्रेरी है। ये देखिए, ये जो अलमारी आप लोगों को दिख रहा होगा और इसके अंदर बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं, 11th के 12th के जो भी आप जो भी क्लास में देखना चाहें वो सभी बुक वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखिए पूरे बुक हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे बुक्स रखे हुए हैं। और ये देखिए केमिस्ट्री का है, मैथ्स के हैं, सभी कंप्लीट हैं। और यहाँ इसमें जो है कागज़ रखा हुआ है A4 साइज, जिसमें से मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसका जो भी पेपर होता है तो उसको इसमें PDF के माध्यम से वो बनाते हैं। ये देखिए पूरा बुक है और इस प्रकार से जो भी हमारा बुक रखा जाता है, ये अलग से अलमारी बनाया हुआ है और यहाँ पे ऐसे इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो वीडियो बनाता हूँ वो कैसे बनाता हूँ, तो वह चीज़ भी देखते रहिए। ये देखिए ये हमारा ट्राइपॉड है और इसमें वीडियो अभी प्रेजेंट टाइम में बनाना है और कुछ इसमें बनाया भी हूँ। और ये हमारे जो बुक पढ़ने वाले हैं इसमें मैं स्वयं पढ़ाई करता हूँ, ये मेरे सारे नोट्स हैं और इसमें वीडियो बनाता हूँ। और जो एक और ट्राइपॉड था वो भी घर में, फ़िलहाल मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जबलपुर आ चुका हूँ और अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अपन और ये भी दिखाता हूँ कि कैसे, देखिए यहाँ पर ही मैं बैठ के और वीडियो शूट करता हूँ
और इधर पूरा मैं जो भी है ये तो बैठ के पढ़ता हूँ। कैसा लगा मेरा लाइब्रेरी, मतलब जिसमें बुक्स वगैरह रखे हैं जिनके माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ, और जो भी जहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, कैसा लगा वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे ताकि मैं आगे आपको अच्छे से अच्छे माध्यम से पढ़ा सकूँ। और बहुत जल्द यदि कुछ आगे भी बच्चे यदि पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं अब डिजिटल बोर्ड का यूज करने वाला हूँ और उसके माध्यम से पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, बने रहें। जय माता दी, वंदे मातरम।